हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सेक्रेड मूवी की स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि सफेद कपड़े पहनी एक औरत दीवार पर टंगी है। वो बेहद डरावनी भी लग रही है। देखते ही देखते वो सामने खड़ी मेलिना के पास आती है, जिसके बाद मेलिना तलवार से उसके चेहरे पर वार करती है। इससे उसका चेहरा कट जाता है, लेकिन देखते ही देखते वो दोबारा हील हो जाता है और इसके साथ ही फिल्म फ्लैशबैक में चली जाती है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि मेलिना प्रेग्नेंट है। वो और उसका पति बहुत खुश है। लेबर पेन होने पर दोनों अस्पताल जाते हैं और उनकी एक बेबी की डेथ हो जाती है। इससे दोनों बहुत दुखी होते हैं। मेलिना और उसका पति अपने एक बच्चे के साथ वापस आते हैं, जहाँ मेलिना का पति अपने दूसरे बच्चे के क्रेब को वहाँ से हटाने लगता है, लेकिन मेलिना उसे रोक देती है। इसके साथ ही कहानी 5 साल आगे बढ़ जाती है। 5 साल पहले हम देखते हैं कि उनकी बच्ची का नाम फ्लोरा है और आज उसका जन्मदिन है, जहां मेलिना और उसका पति केक और गिफ्ट लेकर फ्लोरा के पास आते हैं। फ्लोरा केक देखते ही कैंडल को घूरने लगती है, जिससे तेज हवा चलती है और वो कैंडल और घर की सारी कैंडल बुझ जाती है। इसी सीन से हमें पता चलता है कि फ्लोरा ने 5 साल से कुछ भी नहीं बोला है। इससे मेलिना और उसके पति बहुत परेशान है। मेलिना बस अपनी बेटी को मुस्कुराते हुए देखना चाहती है। इसके अगले ही सीन में हम देखते हैं कि मेलिना सो रही है, तभी एक बच्ची उसके ऊपर खेलने लगती है। देखते ही देखते एक औरत वहां आती है और उस बच्ची को खींचकर अपने साथ ले जाती है। यह सपना देखकर मेलिना बहुत डर जाती है। मेलिना का पति उसे संभालता है, तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर दोनों फ्लोरा के कमरे की ओर भागते चले जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि फ्लोरा सो रही है, लेकिन उसके रूम का एक दरवाजा खुला है, जिसे मेलिना का पति बंद कर देता है। लेकिन जैसे ही वो वहां से जाने लगते हैं, वो दरवाजा फिर से खुल जाता है। यह दोनों को बहुत अजीब सा लगता है। इसके बाद मेलिना अपने पति से कहती है कि वो फ्लोरा को अपने साथ सुला लेते हैं। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि तीनों सो रहे हैं, तभी फ्लोरा जागती है और रूम से चली जाती है। थोड़ी देर बाद मेलिना की आंख भी खुलती है। वो फ्लोरा को वहां ना देखकर उसे ढूंढने लग जाती है। तभी बाथरूम के बाहर उसे फ्लोरा खड़ी नजर आती है। उसे लगता है कि शायद फ्लोरा को सूसू आ रहा है। वो फ्लोरा को लेकर बाथरूम के अंदर जाती है, लेकिन वहां टिश्यू पेपर ना पाकर फ्लोरा को वही छोड़कर बाथरूम से बाहर आ जाती है। तभी बाथरूम का दरवाजा बंद हो जाता है। मेलिना उसे खोलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं खुलता। लेकिन फिर अचानक से वो दरवाजा अपने आप खुल जाता है। मेलिना फ्लोरा के पास जाती है। फ्लोरा शीशे की ओर इशारा करती है, जिस पर लिखा होता है कि सब मरेंगे। यह देखकर मेलिना चिल्लाती है। तभी मेलिना का पति वहां आ जाता है, लेकिन उसे शीशे पर कुछ भी लिखा नजर नहीं आता। अगले ही दिन जब मेलिना के मेट फ्लोरा के रूम के पास जा रही होती है, उसे फ्लोरा की आवाज सुनाई देती है, मानो वो किसी से बात कर रही हो। दरवाजा खोलकर वो देखती है, उसे वहां कोई भी नजर नहीं आता। वो फ्लोरा से अपने साथ चलने के लिए कहती है। इसी सीन में हम देखते हैं कि एक परछाई फ्लोरा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जा रही है। अगले सीन में मेलिना का पति उसे लेकर एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है, जिसे मेलिना बताती है कि उसे अजीबोगरीब चीजें नजर आ रही हैं। साइकोलॉजिस्ट उसे कहता है कि वो डिप्रेशन में है। यह सुनकर मेलिना का पति उसे वेकेशन पर चलने के लिए कहता है। दोनों घर आ जाते हैं। घर आकर मेलिना को अपने रूम में एक लड़की का भूत नजर आता है। यह देखकर वो डर जाती है और चिल्लाकर वहां से भागने लगती है, लेकिन वो भूतनी उसका पैर पकड़ लेती है, जिससे मेलिना गिर जाती है। मेलिना की आवाज सुनकर उसका पति वहां आ जाता है, लेकिन उसे वहां कोई भी नजर नहीं आता। अगले सीन में हम देखते हैं मेड को फ्लोरा घर में इधर उधर घूमती नजर आती है। वो फ्लोरा से अपने रूम में जाकर सोने के लिए कहती है, जिसके बाद पूरे घर की लाइटें बंद हो जाती है। मेलिना का पति लाइट ठीक करने के लिए जाता है। मेलिना फ्लोरा के रूम में उसे देखने जाती है, जहाँ फ्लोरा सो रही होती है। तभी उसे वहां अपनी मेड नजर आती है, जो उस पर हमला कर देती है। इस सीन में वो मेड बेहद ही डरावनी नजर आती है। वही सीन मेलिना के पति पर शिफ्ट हो जाता है,
जिसे उसकी मेट की लाश नजर आती है। उसे लगता है कि ऊपर से गिरकर उसकी मौत हो गई है। तभी मेलिना की आवाज सुनकर वो फ्लोरा के रूम में पहुंचता है, जहां मेलिना उसे कहती है कि उनकी मेट ने उसकी जान लेने की कोशिश की। यह सुनकर मेलिना का पति उसे बताता है कि उनकी मेट की मौत हो चुकी है। अगला सीन वेकेशन का है, जहां दोनों बहुत खुश हैं, लेकिन परेशान भी, क्योंकि फ्लोरा यहां भी हंसकेल नहीं रही थी। दोनों फ्लोरा के बारे में ही बात कर रहे होते हैं कि तभी फ्लोरा गायब हो जाती है। दोनों उसे ढूंढने लगते हैं। तभी मेलिना के पति को एक लड़की मिलती है, जिसका नाम बेंगा होता है। यह वही लड़की होती है जिससे उसकी पहली सगाई होती है। उस लड़की के हाथ में अभी भी वो एंगेजमेंट रिंग है। तभी वहाँ मेलिना आ जाती है, फ्लोरा उसके साथ होती है। फ्लोरा को देखते ही बेंगा उसके साथ खेलने लगती है। मेलिना और उसका पति यह देखकर दंग रह जाते हैं कि फ्लोरा बेंगा के साथ खेल रही है। एक दिन तीनों खाना खा रहे होते हैं, तभी फ्लोरा बेंगा से बात करने लगती है। 5 सालों में यह पहली बार था जब फ्लोरा ने कुछ बोला था। मेलिना को लगता है मानो बेंगा उनके लिए कोई फरिश्ता हो। वो बेंगा से अपने साथ चलने के लिए कहती है। चारों घर वापस आ जाते हैं। इस सीन से हमें पता चलता है कि मेलिना के पति के घर वालों को बेंगा पसंद नहीं होती है, इसीलिए वो यह शादी नहीं होने देते। निशाने के तौर पर बेंगा मेलिना के पति को एक गिफ्ट देती है। इसी गिफ्ट के साथ फ्लोरा हमेशा खेलती रहती है। वही फिल्म में एक एंट्री होती है मेलिना की बहन की, जो उनके घर आती है, जहां मेलिना का पति उससे कहता है कि बेंगा का कुछ शक है। वो उससे मेलिना और फ्लोरा का ख्याल रखने को कहते हैं। तभी वहां मेलिना आ जाती है और वो अपनी बहन को देखकर बहुत खुश होती है। अगला सीन है मेलिना की बहन के रूम का, जहां वो देखती है कि कबर्ड का दरवाजा अपने आप खुलने लगता है। वो देखती है अंदर फ्लोरा बैठी है। तभी वहां बेंगा आ जाती है और दोनों की एक बार एक दूसरे से मुलाकात होती है। एक रात वो बेंगा के रूम में जाती है और वहां देखती है कि बेंगा एक भूत है। यह देखकर वो चिल्लाते हुए रूम से बाहर आ जाती है। तभी मेलिना वहां आ जाती है। दोनों उसके रूम में जाते हैं, लेकिन मेलिना और बेंगा बिल्कुल ठीक नजर आते हैं। सीन मेलिना के पति पर शिफ्ट होता है, जो कि एक किताब पढ़ रहा है। यह किताब काले जादू की है, जिसमें लिखा है कि यह काला जादू उस इंसान पर होता है जिसने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया है, और इसे करने के लिए एक स्टील बॉर्न बेबी की जरूरत होती है। साथ ही काला जादू करने वाले इंसान को भी अपनी जान देनी है, जिसके बाद 5 साल बाद वो इंसान वापस एक शरीर लेकर आता है, लेकिन इस बार उसकी आत्मा शैतानी होती है। यह पढ़कर मेलिना का पति अपने मरे हुए बच्चे की ग्रेव पर जाता है, जहां उसे पता चलता है कि ग्रेव खाली है। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं कि मेलिना की बहन कैमरे की रिकॉर्डिंग लगाकर बेंगा के रूम की तरफ चली जाती है, जहां वो देखती है कि मेलिना फ्लोरा के साथ खेल रही है। तभी मेलिना के पति का फोन आता है। उसकी आवाज सुनकर बेंगा मेलिना की बहन को देख लेती है और उसे मारने जाती है। फोन पर मेलिना की बहन की आवाज सुनकर मेलिना का पति अपने घर की तरफ भागता है। वहीं दूसरी तरफ बेंगा बड़ी ही बेरहमी से मेलिना की बहन का खून कर देती है। अब तीन शिफ्ट होता है मेलिना पर, जहां अचानक मेलिना की नींद खुलती है। वो देखती है कि फ्लोरा उसके बगल में सो रही है। तभी फ्लोरा मुड़ती है, उसकी आंखें लाल हैं और वो गुस्से में मेलिना की तरफ बढ़ती है और उसका गला दबाने लगती है। मेलिना किसी तरह भागकर हॉल में आती है। अब फिल्म शुरुआत वाले सीन पर आ जाती है, जहां बेंगा दीवार पर टंगी होती है। वो मेलिना के सामने आती है और कहती है कि उसने उसके प्यार को छीनकर उसे अपना पति बना लिया, इसलिए अब मैं तुम्हारा सब कुछ तुमसे छीनूंगी। बेंगा मेलिना का गला दबाने लगती है। तभी उसका पति वहां आ जाता है। वो एक रॉड से बेंगा पर हमला करता है। इसी सीन में बेंगा उन्हें सब कुछ बताती है कि कैसे उसने उसके मरे हुए बच्चे के डेड बॉडी से काला जादू किया। साथ ही वो यह भी बताती है कि कैसे उसने उनकी जिंदा बच्ची को भी एक शैतानी सूर से बदल दिया और फ्लोरा उनकी बेटी नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मेलिना और उसका पति वहां से भागने की कोशिश करते हैं। तभी फ्लोरा वहां आ जाती है। तीनों गाड़ी में होते हैं। फ्लोरा मेलिना को मारने की कोशिश करती है। वो मेलिना के पति पर भी हमला करती है। इससे उनकी गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है
हादसे में दोनों बच जाते हैं। वहाँ फ्लोरा जलकर मर जाती है। तभी प्रियंका वहाँ आ जाती है और मेलिना को मारना शुरू कर देती है। मेलिना के पति को याद आता है कि उसने किताब में पढ़ा था कि इसी शैतानी ताकतें आग से जन्म लेती है और आग में ही जलकर मर जाती है, जिसके बाद वो लाइटर की मदद से प्रियंका पर आग लगा देता है। हम देखते हैं कि प्रियंका जलने लगती है, लेकिन जलने से पहले वो मेलिना के शरीर में प्रवेश कर जाती है और मेलिना के पति पर हमला कर देती है। फिर हम देखते हैं कि वो कैसे मेलिना के पति का एक हाथ और पैर काट डालती है और कहती है कि वो जैसे तड़प तड़प कर मरी है वैसे ही उनको भी मरना पड़ेगा। इसके बाद वो मेलिना को लेकर एक ग्रेव तक जाती है। तभी मेलिना का पति वहां आकर उसे अच्छी यादें दिलाता है और कहता है कि उसे प्रियंका से फाइट करनी है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि मेलिना प्रियंका से फाइट करती है, जिससे प्रियंका की शैतानी आत्मा उसके शरीर से अलग होकर उसी ग्रेव में गिर जाती है और उस ग्रेव में आग लग जाती है और प्रियंका की मौत हो जाती है। अगला सीन हॉस्पिटल का है, जहां मेलिना और उसके पति को अपनी असली बेटी का पता मिलता है, जिसके बाद वो उसे अपने घर ले आते हैं और फिल्म की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।